मंजिल उनकी होती है जो मेहनत करते हैं, कठिनाइयों से डरते नहीं और कभी हार नहीं मानते हैं। नमस्कार दोस्तों और सभी मेहनती विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जिंदगी बदलने वाली वीडियो की दुनिया में। क्या आप कभी पढ़ाई से ऊब जाते हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि सफलता मीलों दूर है? चिंता मत करो, हर विद्यार्थी के जीवन में ऐसे दौर आते हैं, लेकिन ये वही वक्त होता है जब आप कुछ खास खोज निकालते हैं। आज हम उन खास चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। ये वीडियो आपको प्रेरित करेंगी, कुछ नया सिखाएंगी और आपकी राह आसान बनाएंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि छात्र जीवन एक ऐसा समय है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं। ये एक ऐसा समय है जब हम नई चीजें सीखते हैं, नए कौशल विकसित करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ये एक ऐसा समय भी है जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं और कठिन निर्णय लेते हैं। लेकिन चुनौतियों के बावजूद छात्र जीवन भी अविश्वसनीय रूप से पुरस्कृत करने वाला हो सकता है। ये एक ऐसा समय है जब हम बढ़ते हैं और सीखते हैं, जब हम दोस्त बनाते हैं और यादें बनाते हैं। ये एक ऐसा समय है जब हम अपने सपनों को आगे बढ़ाने और दुनिया में बदलाव लाने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, किसी ने सही ही कहा है, किताब के पन्ने पलटकर ध्यान की खोज में निकल पड़े हैं, चुनौतियों से भिड़कर अपने सपनों को सजाने हैं। तो क्या आप भी वह एक छात्र हैं जो अपना जीवन बदलना चाहते हैं? आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपको यह तय करने की जरूरत है कि आप अपने जीवन के बारे में क्या बदलना चाहते हैं। क्या आप बेहतर छात्र बनना चाहते हैं? क्या आप नए दोस्त बनाना चाहते हैं? क्या आप एक नया शौक या गतिविधि शुरू करना चाहते हैं? एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप क्या बदलना चाहते हैं, तो आप लक्ष्य निर्धारित करना शुरू कर सकते हैं। आपके लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए। एक बार जब आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो आप उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना विकसित करना शुरू कर सकते हैं। अपनी योजना में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको किन कदमों की आवश्यकता होगी, उन कदमों को पूरा करने की आपकी समय सीमा क्या है और आप अपनी प्रगति को कैसे ट्रैक करेंगे, इसकी रूपरेखा तैयार करें। अंत में आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अपनी योजना पर काम करना शुरू करें और अपनी प्रगति को ट्रैक करें। रास्ते में चुनौतियों का सामना करना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार हार न माने। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें। संघर्ष करना हमें वहां तक ले जाता है जहां शुभ भाग्य हमें पहुंचा सकता है, अनुपम विचार से नहीं। डरकर अपने लक्ष्य को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद विरोधी की आलोचना का विचार बदल जाता है। छात्र जीवन में जीवन के छोटे छोटे अभ्यास हमारे जीवन में अहम अंतर पैदा कर सकते हैं। अगर तुम उज्ज्वलता की तरह चमकना चाहते हो, तो सूर्य की तरह जलना सीखो। मेहनत इतनी अनदेखी से करो कि सफलता ध्वनि मचा सके। जब तक तुम दौड़ने का हौसला नहीं बढ़ाओगे, तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में उतरना मुश्किल रहेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने काम के रूप में अपनी पहचान बनाओगे, तब आप समझ जाओगे कि आप सफल हो गए हैं। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर कड़ी मेहनत करें। यदि आप में आरंभ करने की हिम्मत है, तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। सच्चाई एक ऐसी चीज है जो एक पहाड़ की ऊंचाई पर रखी जाए तो भी रोशनी कम नहीं होती है, ये दूर से भी दिखाई देती है। विद्यार्थी जीवन का एक करवा सच है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में चाहे विद्यार्थी कितना भी नंबर लाए, उसके परिवार को खुशी नहीं मिलती। इसलिए नंबर की बजाय सीखने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। एक परीक्षा कभी सरल या कठिन नहीं होती। विद्यार्थी जिसने अच्छी मेहनत की हो, उसके लिए परीक्षा सरल होती है, और जो नहीं मेहनत करता है, उसके लिए परीक्षा कठिन होती है। परीक्षा के समय सभी को डर लगता है, पर वे ही फेल होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते। सफल और असफल विद्यार्थी में केवल एक ही अंतर होता है। सफल विद्यार्थी शिक्षा को ही महत्व देता है, जबकि असफल विद्यार्थी सभी चीजों पर ध्यान देता है। यदि आप अपने कक्षा में सबसे बेहतर छात्र हो, तो आप गलत कक्षा या गलत स्कूल में हैं, क्योंकि यह आपको बेहतर नहीं बनने देगा। एक विद्यार्थी को सदैव यह ध्यान देना चाहिए
कि विद्यार्थी जीवन आराम का नहीं बल्कि मेहनत से ज्ञान प्राप्त करने का समय है। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ विजय पर ध्यान देता है। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप लोगों के बारे में क्या विचार करते हैं, क्योंकि यही विचार आपका चरित्र निर्धारित करते हैं। एक सच्चा विद्यार्थी वही है जो खुद को साबित करने में नहीं बल्कि खुद को औरों से बेहतर करने में ध्यान देता है। अगर आपके सपने आपको डरा नहीं रहे, आपको सोने नहीं दे रहे हैं और आपको खाने नहीं दे रहे हैं, तो यही संकेत है कि आपका सपना सच्चे में बड़ा है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो मान लीजिए वह बड़ा सपना नहीं है। अपने अंदर शिक्षा के प्रति उत्साह को बढ़ाइए। यदि आपने यह कर लिया तो आपको आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकेगा। एक मूर्ख व्यक्ति को उत्तम प्रतिक्रिया देने के लिए श्रेष्ठ प्रतिक्रिया स्वरूप मौन ही होता है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमत्ता ऐसी ही है जैसे पंख के बिना एक पक्षी। अगर आप वह नहीं कर रहे हैं जो आपको पसंद है तो इसका मतलब है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अपने संदर्भ को दास कभी ना समझो, तुम खुद अपने किस्मत के निर्माता बनो। एक दिन में तो नहीं लेकिन अगर लगे रहोगे तो निश्चित ही होगा। उठो, सामना करो और जीतो। जीतने के लिए तुम्हें न किसी की अनुमति की आवश्यकता है न किसी सिफारिश की। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अक्सर समय की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमें अपनी प्रतिभा का परिचय होता है और हम नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार होते हैं। यही हमारे व्यक्तित्व को मजबूत और सामर्थ्यपूर्ण बनाता है। सफलता का मतलब सिर्फ अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है बल्कि यह उस सफर का हिस्सा है जिसमें हम कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हैं। हमें अपनी क्षमताओं को अभिवृद्धि करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक भाव से काम करना चाहिए ताकि हम नए और अनंत अवसरों को खोज सकें। क्या तुमने ऐसा कोई फैसला किया है जो वर्तमान में खतरा है पर भविष्य में बेहतर होगा? अगर हां तो यह बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं तो विचार करो और सोचो। परिपूर्ण स्थिति की प्रतीक्षा मत करो, आज से ही अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ताकत लगाओ। सफलता इंतजार से नहीं कर्म से प्राप्त किया जाता है। सबको अवसर मिलते हैं, कुछ समय में तकलीफ और कुछ समय में आराम। अधिकांश लोग दूसरा अवसर ही चुनते हैं। बड़े निर्णय लेने से डरना गलत नहीं है। सफलता के लिए जीनियस से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप में सामान्य बुद्धिमत्ता हो, कम शिकायतें हों, कम बहाने हों और अधिक सफलता पाने के लिए तालमटोल कम हो। कभी कभी सफलता का रास्ता केवल एक व्यक्ति के रूप में बाधक होता है जिसे तुम हर दिन अपने आप में देखते हो। उन सभी रास्तों को छोड़ दो जो मंजिल की तरफ नहीं आते, भले ही कितनी भी आकर्षक हों। विद्यार्थियों को प्रेरित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनके जीवन में सफलता का प्राप्त करना। जब हम मोटिवेशन के साथ काम करते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए देखने का एहसास होता है। यही कारण है कि विद्यार्थियों को सकारात्मक संगीत, प्रेरणादायक किताबें और सकारात्मक विचारों के साथ ही सहयोग देना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ उनके लिए नई चुनौतियों और अनुभवों का समय होता है। ये एक समय है जब वे अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। इस समय में उन्हें प्रेरित और समर्थ बनाने के लिए उत्साहवादी और सकारात्मक माहौल में रहना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से हम विद्यार्थियों को न केवल ज्ञान देते हैं बल्कि उन्हें जीवन में सफल होने के लिए भी तैयार करते हैं। इसके अलावा हमें उनका साथ देना और उन्हें उनके सपनों की पूर्ति में सहायता करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण दायित्व है जो हमें समझना चाहिए और उन्हें उत्साहित करने के लिए हमें अपनी सक्रियता का प्रयोग करना चाहिए। अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए आपको टेबल चेयर पर ही बैठकर पढ़ना चाहिए। यहां बैठकर आपका ध्यान अधिक लगेगा और आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकेंगे। अपनी पढ़ाई के लिए एक नियमित रूटीन बनाएं और उसे पालन करें। इससे आपकी पढ़ाई समय पर होगी और आपको सभी चीजें याद रहेंगी। रोजाना एक ही समय पर पढ़ने से आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। अपने लिए एक लक्ष्य तय करें और उसे हासिल करने के लिए मेहनत करें। ध्यान देने के लिए छोटे ब्रेक लेना भी महत्वपूर्ण है।
जब आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे तो आपको उत्साह मिलेगा और आप और भी महसूस करेंगे कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में सही तरीके से बढ़ रहे हैं। यह आपको नियमित और तैयार रखेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 30 से 45 मिनट की पढ़ाई के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अक्सर हमने देखा होता है कि विद्यार्थी पूरे दिन घर में खेलते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें पढ़ाई के लिए बैठाया जाता है तो वे अलसी और सुस्त हो जाते हैं। ऐसा होने पर उन्हें पढ़ाई से बचने के लिए कठिनाई महसूस होती है। आपने सुना होगा, जो वक्त के साथ चलता है वह पूरी दुनिया जीत सकता है। वक्त एक ऐसा चक्र है जो राजा को महाराजा और महाराजा को राजा बना सकता है। इसलिए वक्त के महत्व को समझिए और उसका उपयोग कीजिए। गलत तरीके से नहीं, यह फिर लौट कर नहीं आने वाला है। इसलिए इसके साथ चलें और आप अपने आप को अनुशासित करें, क्योंकि एक छात्र की पहचान उसका अनुशासन ही होता है। जब आप अनुशासित रहेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कौन सा कार्य करना आवश्यक है और कौन सा नहीं। किसी छात्र के पास अनुशासन होना ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा है। सोचते हुए आपको शायद यह परेशानी हो रही होगी कि आखिर यह मैनेज कैसे होगा, लेकिन आपको ही तय करना है कि किस तरह से आप उस मामले को हल करेंगे। परेशानियों का सामना करना कभी कभी कठिन होता है, परंतु इसे निभाना आपकी उच्च सामर्थ्य को दर्शाता है। अक्सर कष्टदायक कार्य बाद में फलदायक होते हैं, इसलिए परेशानियों से घबराने की जरूरत नहीं है। सोने के लिए भी समय निर्धारित करें। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि उनका शरीर पहले की तुलना में अधिक सक्रिय रहे और वे पढ़ाई में अधिक उत्साहित रहे। पढ़ाई के समय मन को शांत रखें और नेगेटिव सोच को दूर रखें। मन को काबू में रखना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से हमारी सफलता के रास्ते में कोई अवरोध नहीं होगा। अध्ययन के बीच हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि हम अपने मन को विचलित विचारों से दूर रखें। बहुत सारे विद्यार्थी अपने पढ़ाई के समय में भटक जाते हैं, जो उनके पढ़ाई में बाधा डाल सकते हैं। ये अनचाहे विचार हो सकते हैं, जैसे कि उनके पास किताबों के बारे में, अन्य विचारों के बारे में, या फिर उनके भविष्य के बारे में। बहुत से छात्र अपने मित्रों के साथ अधिक समय बिताने के कारण अपनी अध्ययन से ध्यान भटका देते हैं। यह समय की बर्बादी का कारण बन सकता है और उनका पढ़ाई में दृढ़ता कमजोर हो सकता है। एक सफल जीवन जीने के लिए हमें अपने मन को संयमित रखना और सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें हर सुबह एक नए उत्साह के साथ उठना चाहिए, जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। ध्यान दें कि हर कदम आगे बढ़ने की दिशा में हमें मदद करेगा, नकारात्मकता को दूर करने के लिए। इससे हम अपने जीवन को निरंतर समृद्ध और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। अपने दोस्तों की मदद करना है सच्ची खुशी की बात है। ये वाकई महसूस होता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है और हमारा दिल खुश होता है। इसमें कोई दिखावा नहीं है, सिर्फ पवित्र भावना है। नदी के गहराई का अंदाज लगाना बिना कूदे मुश्किल है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप से पहले एक सवाल पूछना होता है। क्या हमारा कार्य सही है या वह सरल है? सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं है, हमें खुद ही सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, और हमें हमेशा सफलता की कीमत के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए एक कहानी पर बात करते हैं जो आपको सफलता की कुंजी बताएगी। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था रवि। रवि बहुत ही होनहार और मेहनती था। वह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसलिए रवि को अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी मदद करनी पड़ती थी। एक दिन रवि के गांव में एक प्रसिद्ध शिक्षक आए। उन्होंने गांव के सभी बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। रवि भी उन शिक्षक की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने शिक्षक से पूछा, गुरुजी, मैं अपनी पढ़ाई में कैसे सफल हो सकता हूं? शिक्षक ने रवि को सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ मंत्र दिए। उन्होंने कहा, बेटा, सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें इन मंत्रों का पालन करना होगा। पहला मंत्र, लक्ष्य निर्धारित करो। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो।
जब तुम्हें अपना लक्ष्य पता होगा तो तुम उसके लिए योजना बनाकर उस पर काम कर सकते हो। दूसरा मंत्र, मेहनत करो। सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत आवश्यक है। तुम्हें अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना होगा और नियमित रूप से अध्ययन करना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए भी प्रयास करना होगा। तीसरा मंत्र, हार मत मानो। सफलता प्राप्त करने में कई बार बाधाएं आती हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। चौथा मंत्र, सकारात्मक सोच रखो। सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा और सकारात्मक सोच रखनी होगी। रवि ने शिक्षक के मंत्रों का पालन किया और अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की। कुछ सालों बाद रवि अपनी पढ़ाई में सफल हुआ और उसने एक अच्छा मुकाम हासिल किया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने सीखा कि पहला, सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, मेहनत करना, हार न मानना और सकारात्मक सोच रखना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, शिक्षा सफलता प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तीसरा, गरीबी या अन्य बाधाएं सफलता प्राप्त करने में बाधा नहीं बन सकती हैं। हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विशेष विषय पर वीडियो बनाएं तो कृपया नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।